हमें एक बात बताइए, आधार कार्ड क्या है? बताइए। आधार कार्ड एक सरकारी डॉक्यूमेंट है जिसके कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, हम मानते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मगर हमें एक बात बताइए, हम जो सेंटर लेके बैठे हुए हैं वो क्या करेंगे? मैं अपनी कह रहा हूँ, और तमाम BLE ऐसे होंगे जो कि आधार कार्ड को फ्री में बनाते होंगे, बहुत से पैसे लेते हैं उसकी नहीं कह सकता, मगर मैं हूँ या और भी लोग हैं जो फ्री में आधार कार्ड बनाते हैं, मगर आधार कार्ड के साथ साथ वो अपने सेंटर पर और भी काम कर सकते हैं, मूल निवास जाति, ऑनलाइन वर्क और तमाम इस तरीके से ऑनलाइन इंटरनेट वर्क होते हैं जो कि आदमी हम कर सकते हैं BLE, जिससे हम अपनी इनकम करते हैं। आधार कार्ड दिन भर में आ गए, एक आ गया, दो आ गया, चार आ गए, कितने आ जाएंगे? 50 तो आएंगे नहीं, 100 तो आएंगे नहीं, जैसे कि सरकार को डर लग रहा है कि उसके BLE UID को डर लग रहा है कि भैया हम पैसे लेते हैं, BLE पैसे लेते हैं। अरे हम पैसे लेते हैं तो पैसे का क्या करें है? सेंटर को बैंक में शिफ्ट कर दो, पोस्ट ऑफिस में शिफ्ट कर दो। अरे मैं बैंक गया, पोस्ट ऑफिस गया, इसमें गया, उसमें गया, कहीं पे कोई परमिशन देने को तैयार है? अरे तुम्हें यही नहीं मालूम कि हम परमिशन दे किस चीज पे? बात कर रहे हैं, अरे हम सेंटर को शिफ्ट भी कर देंगे, हमें 15,000 रुपये फिक्स सैलरी करते हैं, हम सेंटर शिफ्ट कर देते हैं, हम अपना सारा काम छोड़ देंगे, अपना सेंटर दुकान है, जो हमारी दुकान है सेंटर बना रखे, हमने उसे बंद कर देते हैं, ताला डाल देंगे उसमें, 15,000 रुपये में फिक्स दे दें, ज्यादा नहीं चाहिए, 15,000 रुपये फिक्स दे दें बस गवर्नमेंट। हम आधार कार्ड को सरकारी ऑफिस में क्या, हम कुएं के अंदर भी चला लेंगे उसे, और फ्री में आधार कार्ड बनाएंगे, और मैं तो आधार कार्ड फ्री में बनाता हूँ, मगर मेरा सेंटर, अगर मैं अपना सेंटर शिफ्ट कर लेता हूँ और मैं वहाँ पे जाकर आधार कार्ड बनाता हूँ, तो मेरा बाकी का काम कौन करेगा? पैन कार्ड, मूल निवास जाति, आय का काम कौन करेगा? सर या तो उनके 10,000 रुपये या 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 7,000 रुपये में लड़का रखो, तब काम करो, इतनी तो प्रॉफिट है नहीं है हम लोग BLEओं के लिए। तो मेरा तो काम, मेरा एक ही सिद्धांत है, मेरा एक ही बात है सभी BLEओं से, जो आप काम कर रहे हैं उस काम को करते रहिए। आधार कार्ड का काम बंद हो गया तो आधार कार्ड का काम कोई भी ना करे, मेरे हिसाब से तो कोई ना करे, क्योंकि अगर आप आधार कार्ड का काम करते हैं तो आपको घाटा ही होगा, उसमें फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि आप बैंक में जाओगे सुबह 10 बजे लेकर शाम 4 बजे तक बैंक में बैठोगे, पोस्ट ऑफिस में जाओगे सुबह 10 बजे लेकर 4 बजे तक पोस्ट ऑफिस में, दिन भर में एक आ गया बनाने के लिए, दो आ गया और एक भी नहीं आया, कमीशन कितना आता है आधार कार्ड का? 25 रुपये, 35 रुपये, 32 रुपये, इससे ज्यादा कमीशन नहीं आता। करेक्शन करने का UCL पे 25 रुपये में से CSC काट लेती है, अपने काट कूट के हमें 15 रुपये, 16 रुपये देती है, ज्यादा नहीं देगी। बताओ क्या करें हम? तो सीधा मेरा सिद्धांत यही है कि सभी BLE भाई आधा का काम बंद कर दें, और जो आधा है सीधा देखे हमें सैलरी दीजिए, या तो हम आधार कार्ड का काम नहीं करेंगे। जब नए आधार कार्ड नहीं बनेंगे, करेक्शन नहीं होंगे, तो अब सब अपने आप ठिकाने पे आएगी UID। तमाम गाने यार, अपने CSC का हम करेंगे, CSC का हम सेंटर ही शिफ्ट कर लेंगे, अपना आधार कार्ड का काम ही शिफ्ट कर लेंगे, तो हम CSC के बाकी काम का करेंगे क्या, बताइए? मैंने तो अपना CSC का आधार कार्ड, मैं ना तो मैं डॉक्यूमेंट अपना बैंक में शिफ्ट करता सेंटर, ना कुछ करता, मैं आधार कार्ड ID मेरी डीएक्टिव हो गई है, मेरी ID डीएक्टिव रहने दें, मुझे कोई फर्क नहीं है, मैं अपना बाकी का काम कर लूंगा। इससे वैसे भी कोई इनकम नहीं थी, दिन भर में दो आधार कार्ड बनने के लिए आते थे, दो आधार कार्ड का कमीशन 35-70 रुपये आता था, वो भी आ जाता था काइंड टाइम पे, तो आ जाए, नहीं तो वे टाइम आ रहा है, ऐसे तो मेरा और भी काम है वो अच्छे हैं मेरे। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपना आधार कार्ड का काम करना चाहें तो अच्छा है, अगर ना करना चाहें तो बहुत अच्छा है, सभी BLEओं के लिए अच्छा रहेगा, बस मेरा यही होगा।